जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, आभार है। जो आप हमें प्यार स्नेह दुलार प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे और बाबा महाकाल आप पर हमेशा कृपा बरसाए रखे। दोस्तों, यदि आप नए व्यूअर हो, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन दिख रही होगी, उसे आप क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और निःशुल्क ज्योतिष परामर्श प्राप्त करने के लिए जो अब स्क्रीन पर चल रहे मेरे नंबर है, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है, फेसबुक पर भी, मेरा फेसबुक पर डॉक्टर ओम चो और मेरा डॉक्टर ओम चो ब्लॉगर .com, यहाँ पर भी आप कमेंट्स में अपनी जन्म तारीख, समय, स्थान और प्रश्न लिख सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। धनुराशि की महिलाओं के अवगुणों की बात करें तो सबसे पहला अवगुण है, धनुराशि की महिलाएँ आलस्य करती हैं अन्य के मुकाबले। देखिए, आलस्य उस तरह का आलस्य नहीं, ये आलस्य इस तरह का है कि किसी भी काम को कल पर टालने की जो प्रवृत्ति है इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत है, कल पर किसी भी चीज़ को टालना। दूसरा अवगुण है कि धनुराशि की महिलाएं अन्य राशियों के मुकाबले जल अधिक ढोलती है, मतलब जल का दोहन जो है बहुत अधिक करती है। तो प्लीज़ जल का दोहन आप अधिक न करें, वो आपके लिए राशिगत जो ग्रह है उनका मैनेजमेंट के लिए भी सही नहीं है और प्राकृतिक तौर पर से भी यह सही नहीं है। तीसरी बात है, धनुराशि की महिलाएं कभी कभी भावनाओं में बहकर बहुत ज़्यादा ही बातें बतला देती हैं, उनके मन में कोई रहस्य नहीं टिकता। बात गलती उनकी नहीं है, गलती इस बात की कि वो बहुत भोले भावुक और किसी भी व्यक्ति को अपने जैसा ही समझकर सब बातें बतला देते हैं। तो मैं उन धनुराशि की महिलाओं को स्पष्ट पहले ही बता देना चाहता हूँ, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो रहस्य राज है हमारे, उसे हम तक ही सीमित रखें, अन्य को नहीं बताए तो आपके लिए अच्छा होगा। चौथी बात, धनुराशि के जातकों के लिए जो इनका एक बहुत ही ज़्यादा अवगुण है जो इन्हें जीवन में हमेशा तकलीफ भी देता है, भावनाओं में बहकर फैसले लेना और उसके बाद अविश्वास होने पर भी पुनः विश्वास करना, यानी कुल मिलाकर यह है कि जो व्यक्ति इन्हें धोखा देता है, छल कपट कर लेता है, यह उस पर फिर से विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि ये इतने सहज और सरल महिलाएँ होती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ से तो सीखें, कृपया ठोकर खाकर तो एक बार सीखना चाहिए, तो इस बात को आप माने, ठोकर खा के जो भी चीज़ सीखा आपको मैंने सीखना चाहिए आपको। अब मैं बात करता हूँ पांचवी और मुख्य बात जो है कि धनुराशि की महिलाएं का मन बहुत चंचल है, या अभी उन्हें अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद उन्हें उनका मूड ऑफ हो जाता है, इस तरह का मन है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये अपने दिमाग को हमेशा चलायमान रखती है। आपसे निवेदन है कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल चलायमान रहें, जब भी कोई ख़राब विचार आए मन में तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री।